हेलो फ्रेंड्स नमस्कार। आज गोटे गुरुत्वपूर्ण इनफर्मेशन टी स्टाफ सिलेक्शन कमिशन तरफ एमटीएस एवं हवलदार पोस्ट पे वैकेंसी आसी अच्छी क्वालिफिकेशन देखा गले केवल दशम पास मगाई टोटल नंबर ऑफ पोस्ट देखा गले 1558 गोटे वैकेंसी रही आम ओडिशार सब जिलार पिला माने पोस्ट पे आवेदन करें उभय पुरुष एवं महिला प्रार्थी मैंने पोस्ट पे अप्लाई कर पारे आपण जदि पोस्ट पाउछंती एथिरे ओडिशा रे आपणकर नियुक्ति टी होई परियो एथिरे लास्ट डेट बा शेष तारीख देखो हले 21/7/2023 रहिछि एथिरे एलिजिबिलिटी डिटेल्स कोन रहिछि एज लिमिट कोन रहिछि किपरि अप्लाई करबे एवं सिलेक्शन टी किपरि होई परबो एई सब विषय रे मु आपणको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टी कहिबि आपण जदि एथिरे अप्लाई करय चाहुछंती एई वीडियो टी को संपूर्ण देखि नेबे जदि पसंद आसिले गोटे लाइक करने बे और जदि चैनल टी को नुआ करि आछंती तबे एबे ही सब्सक्राइब करने बे जहा द्वारा आगो को आसुतबा नुआ जॉब रो इन्फॉर्मेशन गुडी को डेली बेसिस रे पाई परबे। चालन तो देखने बा कोन रहिछि यार ऑफिशियल नोटिफिकेशन। प्रथमे देखंतु ऑर्गेनाइजेशन देखियो गले स्टाफ सिलेक्शन कमिशन तरफ रु एही नोटिफिकेशन टी रिलीज कराइछि एथिरे केउ माने ई पोस्ट पे अप्लाई कर परबे नाथिरे आम ओडिसा रो सब जिल्ला रे पिला माने ए पोस्ट पे अप्लाई कर परिए एथिरे जेंडर देखंतु बहुत मेल एवं फीमेल रहिछि यार अर्थ उभय पुरुष एवं महिला प्रार्थी माने ए पोस्ट पे अप्लाई कर परिए एथिरे जॉब टाइप केउ टाइप रो जॉब रहइबो ना ए जॉब टी सेंट्रल गवर्नमेंट रो जॉब रहइबो। नेक्स्ट देखंतु पोस्ट डिटेल्स केउ सब पोस्ट रो नियुक्ति रहिछि ना एथिरे मल्टीटास्किंग स्टाफ एवं हवलदार पे पोस्ट वैकेंसी रहिछि एथिरे मल्टीटास्किंग स्टाफ बा एमटीएस पोस्ट पे 1198 गोटि वैकेंसी रहिछि एवं हवलदार पे 368 गोटि वैकेंसी रहिछि। नेक्स्ट देखंतु एई सब पोस्ट को आवश्यक थिबा एज लिमिट बा वयस सीमा रो डिटेल रहिछि एथिरे एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ एवं हवलदार पोस्ट पे जनरल एवं ईडब्ल्यूएस प्रार्थी मान पे मिनिमम वयस रहिछि 18 वर्ष एवं मैक्सिमम वयस रहिछि 25 वर्ष रखा जाइछि। आउ केतोटी डिपार्टमेंट रहिछि सेई डिपार्टमेंट गुडी करे एई एमटीएस एवं हवलदार पोस्ट पे जनरल एवं ईडब्ल्यूएस प्रार्थी मान पे मिनिमम वयस रहिछि 18 वर्ष एवं मैक्सिमम वयस रहिछि 27 वर्ष। किंतु गवर्नमेंट गाइडलाइंस अनुसार एथिरे एज रिलैक्सेशन रहिछि जोडा कि ओबीसी पिला मान पे 3 वर्ष एससी एसटी पिला मान पे 5 वर्ष फिजिकली हैंडिकैप पिला मान पे 10 वर्ष रो एज रिलैक्सेशन रखा हैछि एक्स सर्विसमैन मान पे 3 वर्ष रो एज रिलैक्सेशन रहिछि। या पर देखंतु एही पोस्ट से मिलेथ सैलरी बा दरमा देखियो गले एही मल्टीटास्किंग स्टाफ बा एमटीएस पोस्ट पे लेवल 1 रे 18000 आरंभ करी 56900 टका पर्यंत सैलरी रहिछि सेहिपरि हवलदार पोस्ट रे मध्ये लेवल 1 रे 18000 आरंभ करी 56900 टका पर्यंत सैलरी रहिछि। आपण जदि एही पोस्ट पाउछन्ति ताले आपणको 18000 आरंभ कर 56900 टका पर्यंत सैलरी मिल पारिबो। या पर देखंतु एही पोस्ट रे थिबा एजुकेशन क्वालिफिकेशन बा शिक्षागत योग्यता देखियो होले एही मल्टीटास्किंग स्टाफ रे दशम पास रखा हैछि आपण जदि दशम पास करछन्ती ताले आपण एही मल्टीटास्किंग स्टाफ रे अप्लाई कर परिबे सेहिपरि हवलदार पोस्ट रे मध्ये दशम पास रखा हैछि आपण जदि दशम पास करछन्ती ताले आपण एही एमटीएस एवं हवलदार पोस्ट रे अप्लाई कर परिबे। नेक्स्ट देखंतु फ्रेंड एथिरे एग्जाम पैटर्न टी किपर रहइबो ना एथिरे मल्टीटास्किंग स्टाफ एवं हवलदार पोस्ट पे रिटेन टेस्ट टी रहिछि जोडा कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम टी रहइबो एथिरे दुईटी सेशन रहिछि जोडा कि सेशन 1 एवं सेशन 2 रहिछि। सेशन 1 रे न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी रहिछि एवं रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग रखा हैछि। एही न्यूमेरिकल एबिलिटी रे 20 टी क्वेश्चन पे 60 मार्क रहिछि रीजनिंग एबिलिटी रे 20 टी क्वेश्चन पे 60 मार्क रखा हैछि। एथिरे ड्यूरेशन देखियो होले 45 मिनट रहिछि एही सेशन 1 रे आपनकु 45 मिनट रो समय मिलिबो आंसर देबा पे सेहिपरि सेशन 2 रे दुईटी सब्जेक्ट रहिछि जोडा जनरल अवेयरनेस एवं इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रेशन रखा हैछि। जनरल अवेयरनेस रे 25 टी क्वेश्चन पे 75 मार्क रखा हैछि इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रेशन रे 25 टी क्वेश्चन पे 75 मार्क रखा हैछि। सेशन 2 रे मध्ये आपनकु 45 मिनट रो समय मिलिबो आंसर देबा पे एही कंप्यूटर बेस एग्जाम टी दुईटी सेशन रहिछि सेशन 1 सेशन 2 सेशन 1 रे 45 मिनट समय रहिछि सेशन 2 रे मध्ये 45 मिनट रो समय रहिछि। एही रिटेन टेस्ट रे जदि जनरल प्रार्थी होइथिबे जे 30% मार्क आनछन्ती ताले आपण ए रिटर्न टेस्ट क्वालिफाई कर परिबे सेहिपरि ओबीसी एवं ईडब्ल्यूएस प्रार्थी मानको 25% रखा हैछि जदि 25% मार्क आनछन्ती ताले ओबीसी एवं ईडब्ल्यूएस पिला माने क्वालिफाई कर परिबे सेहिपरि एससी एसटी फिजिकल हैंडिकैप एवं एक्स सर्विसमैन मानको पे 20% मार्क रखा हैछि। फ्रेंड्स एथिरे फिजिकल टेस्ट रहिछि जोडे जदि आपण हवलदार पोस्ट अप्लाई करछन्ती ताले आपणको पीटी टेस्ट एवं पीएसटी टेस्ट देबा भबो। एही पीटी टेस्ट बा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट रे कोन रहिछि ना पुरुष प्रार्थी मानको पे 15
मिनिट्रे 1600 मीटर चला रखाई आपण जदि पुरुष प्रार्थी होते 15 मिनिट्रे जदि 1600 मीटर चली पार्टी एई पीटी टेस्ट क्वालिफाई करेंपरी महिला प्रार्थी मान 20 मिनिट्रे 1000 मीटर चला रखाई आपण जदि महिला प्रार्थी होते 20 मिनिट्रे 1000 मीटर जदि चली पार्टी पीटी टेस्ट क्वालिफाई करेंपरी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट रही जोड़ा कि हवलदार पोस्ट रखाई एथिरे पुरुष प्रार्थी मान हाइट रही मिनिमम हाइट रखाई 157 सेंटीमीटर रही पुरुष प्रार्थी मान 157 सेंटीमीटर हाइट अच्छी चेस्ट 81 सेंटीमीटर अनएक्सपैंडेड एक्सपैंडेड 5 सेंटीमीटर रखाई महिला प्रार्थी मान हाइट 152 सेंटीमीटर रखाई सहित वेट 48 केजी रखाई जदि महिला प्रार्थी होते हैं हाइट जदि 152 सेंटीमीटर अच्छी वेट 48 केजी जदि अच्छी ताले से क्वालिफाई कर पारे। नेक्स्ट देखंतु फ्रेंड एथरे एप्लीकेशन प्रोसेस किपर रहयो आपण जदि एई पोस्ट पे अप्लाई करे इंटरेस्टेड रखुचंदी ताले केवल अप्लाई कर पारे ना एथरे एप्लीकेशन मोडटी ऑनलाइन रखाय छे आपण जदि एई पोस्ट अप्लाई करे चाहुचं ताले ऑनलाइन माध्यम रे एई पोस्ट अप्लाई कर पारे। एथरे एप्लीकेशन फी देखे होले जनरल ईडब्ल्यूएस एवं ओबीसी पिला मान पे एप्लीकेशन फी 100 टका रखाय छे सेपरि एससी एसटी फिजिकल हैंडीकैप एवं महिला प्रार्थी मान पे नो फी रही छे समानको कोनसी प्रकार एप्लीकेशन फी दवा पड़े ना समाने संपूर्ण मागणारे एई पोस्ट पे अप्लाई कर पारे। एथिरे स्टार्ट डेट बा आरंभ तारीख देखे होले 30 जून 2023 रहिछि जोडा कि ऑलरेडी स्टार्ट होइ सारलाणी एवं लास्ट डेट बा शेष तारीख देखे होले 21 जुलाई 2023 रहिछि। एथिरे आपण जदि अप्लाई करा चाहुचंती ताले एई वेबसाइट को जाई आपण अप्लाई कर पारे www.ssc.nic.in साइट को जिबे सेतिरे रिक्रूटमेंट सेक्शन रहिछि से रिक्रूटमेंट सेक्शन को क्लिक करी आपण ऑनलाइन रे अप्लाई कर पारे। एथिरे एग्जाम सेंटर टि कोइंटा रहबो ना एथिरे हमर ओडिसा पिला मान एग्जाम सेंटर देखे होले बालेश्वर रही ब्रह्मपुर रही भुवनेश्वर रही कटक रही राउरकेला रही संबलपुर रखाई। नेक्स्ट देखो फ्रेंड कौन कौन डॉक्यूमेंट आवश्यक रहा ना सर्वप्रथम वैलिड ईमेल आईडी एवं वैलिड मोबाइल नंबर आवश्यक रहा जो रजिस्ट्रेशन करेंगे आप वैलिड ईमेल आईडी एवं वैलिड मोबाइल नंबर दे रजिस्ट्रेशन करेंगे लग इन करेंगे आप फॉर्म टी ऑनलाइन फिलअप करें। देखो मैट्रिक सर्टिफिकेट बोर्ड सर्टिफिकेट और मार्कशीट आवश्यकता रही अन्य सर्टिफिकेट जो अच्छी प्लस टू प्लस थ्री ताले से गुड़ आवश्यकता रहा आप कैश सर्टिफिकेट अच्छी ओबीसी होते एससी एसटी होते सर्टिफिकेट आवश्यकता रही रिसेंट कलर पास फोटो को स्कैन करेंगे जेपीजी फॉर्मेट से आवश्यक रहा सिग्नेचर को व्हाइट पेपर में कला काली सिग्नेचर करेंगे स्कैन करेंगे जेपीजी फॉर्मेट से आवश्यकता रही सर्वशेष गोटे आईडी प्रूफ रवश्यकता रही जोटा कि वोटर आईडी कार्ड हो किंबा आधार कार्ड हो किंबा ड्राइविंग लाइसेंस हो एति मधुरो गुटेर आवश्यकता रहिछि। नेक्स्ट देखंथु फ्रेंड एथिरे सिलेक्शन प्रोसेस टि किपर रहबो ना एथिरे रिटन टेस्ट रहिछि ए रिटन टेस्ट टि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहबो एवं ए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट टि दुईटी सेशन रे रहिछि सेशन 1 एवं सेशन 2 रखाइछि। जदि हवलदार पोस्ट पे अप्लाई करछन्थि ताले फिजिकल टेस्ट रहिछि ए फिजिकल टेस्ट रे पीईटी बा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एवं पीएसटी बा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट रहिछि सेथिरे आपण क्वालिफाई कला परे आपणकर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहइबो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हेला परे आपणकर सिलेक्शन टी होई परियो। चलंतु एबे एयर ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखिबा किपर रहिछि फ्रेंड्स सेटार आपण देखि पर्तबे एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमिशन तरफरु एमटीएस बा मल्टीटास्किंग स्टाफ एवं हवलदार पे वैकेंसी रहिछि एथिरे ऑनलाइन एप्लीकेशन रो स्टार्ट डेट बा आरंभ तारीख देखिबाले 30/6/2023 रहिछि एवं लास्ट डेट बा शेष तारीख देखिबाले 21/7/2023 रहिछि। एथिरे आपणकर कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम टी केबे रहइबो ना एथिरे सेप्टेम्बर मास रो 2023 रो आपणर कंप्यूटर एग्जाम टी रहिछि पेमेंट रो लास्ट डेट रहिछि जोडा कि 24/7/2023 रहिछि। एथि देखंथु सैलरी बा दरमा देखियो गेले एई मल्टीटास्किंग स्टाफ एवं हवलदार पोस्ट पे लेवल 1 रे 18000 आरंभ करी 56900 टका पर्यंत सैलरी रहिछि आपण जदि एई एमटीएस पोस्ट पाउछन्थि ताले आपण प्रति मास रे लेवल 1 रे 18000 आरंभ करी 56900 टका पर्यंत सैलरी पाई परिवे सेपर एथि देखंथु वैकेंसी देखियो गेले एमटीएस बा मल्टीटास्किंग स्टाफ पे 1198 गोटी वैकेंसी रहिछि एवं हवलदार रे 360 गोटी वैकेंसी रहिछि आपण जदि एई हवलदार पोस्ट पाउछन्थि ताले आपणर एई डिपार्टमेंट रे आपणर पोस्टिंग टी होई परिवो एथिरे आपण अप्लाई करियो हेले आपणको ssc.nic.in साइट को जिबे सेथिरे कैंडिडेट्स कॉर्नर रहिछि सेई कैंडिडेट कॉर्नर भितर को जाई आपण टेंटेटिव वैकेंसी को जाई आपण पूरा पोस्ट गुडी को देखि नेबे। एथे देखंथु एज लिमिट बा बयस सीमा देखियो गेले 1/8/2023 अनुसार मिनिमम बयस रे 18 वर्ष एवं मैक्सिमम बयस रही 25 वर्ष एथिरे 18-25 वर्ष प्रार्थी माने एई पोस्ट रे अप्लाई कर परिवे जे माने 2/8/1998 रु 1/8/2005 भीतर जदि जन्म ग्रहण करछन्ती
ତାହେଲେ ସେଇମାନେ ଏଇ ପୋଷ୍ଟ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ଅନ୍ୟ କେତୋଟି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରହିଛି, ସେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ମିନିମମ୍ ଏଜ୍ ରହିଛି 18 ବର୍ଷ ଏବଂ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏଜ୍ ରହିଛି 37 ବର୍ଷ ରଖାଯାଇଛି। କେତୋଟି ଏମ୍ଟିଏସ୍ ପୋଷ୍ଟ ଏବଂ ହାବଲଦାର ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ସିବିଆଇସି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ ମିନିମମ୍ ଏଜ୍ ରହିଛି 18 ବର୍ଷ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ରହିଛି 37 ବର୍ଷ। ଏଥିରେ ଯେଉଁମାନେ 2/8/1996 1/8/2005 ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଏସ୍ସି/ଏସ୍ଟି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 5 ବର୍ଷ, ଓବିସି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 3 ବର୍ଷ, ଫିଜିକାଲି ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 10 ବର୍ଷର ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ରଖାଯାଇଛି। ଏଥିରେ କିପରି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ନା, ଏଥିରେ ssc.nic.in ସାଇଟ୍କୁ ଯିବେ, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ଟି ରହିଛି। ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ଟି ପଢ଼ିବେ, ତାପରେ ଯାଇ ଆପ୍ଲାଏ କରିନେବେ। ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ବା ଶେଷ ତାରିଖ ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ 21/7/2023 ରହିଛି। ଏଥିରେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ ୧୦୦ ଟଙ୍କା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ରଖାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏସ୍ସି/ଏସ୍ଟି, ଫିଜିକାଲି ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ନାହିଁ, ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି କିପରି ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ ନା, ଭୀମ୍ UPI, ନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କିମ୍ବା ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ କିମ୍ବା କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ଟି ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆପଣ 22/7/2023 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ଆପଣ ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଏକ୍ସାମିନେସନ୍ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁ କେଉଁ ସିଟି ରହିଛି ନା, ଏଥିରେ ବାଲେଶ୍ୱର ରହିଛି, ବ୍ରହ୍ମପୁର ରହିଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହିଛି, କଟକ ରହିଛି, ରାଉରକେଲା ରହିଛି ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁର ରଖାଯାଇଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେଠାରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଅଫ୍ ଏକ୍ସାମିନେସନ୍ କିପରି ରହିବ ନା, ଏଥିରେ ଆପଣ ଯଦି ହାବିଲଦାର ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ PET ଏବଂ PST ଟେଷ୍ଟ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ମଲ୍ଟିଟାସ୍କିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ରେ MTS ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ କେବଳ ରିଟର୍ନ ଟେଷ୍ଟ ରହିଛି। ଏହି ରିଟର୍ନ ଟେଷ୍ଟ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ ଏକ୍ସାମିନେସନ୍ ରହିବ ଏବଂ ଏଥିରେ ହିନ୍ଦୀ ଏବଂ ଇଂଲିଶରେ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ରିଜିନାଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ ଏକ୍ସାମଟି 2 ସେସନ୍ରେ ରହିବ, ସେସନ୍ 1 ଏବଂ ସେସନ୍ 2। ସେସନ୍ 1ରେ 2 ସବଜେକ୍ଟ ରହିଛି, ସବଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ନ୍ୟୁମେରିକାଲ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ ଏବିଲିଟି ପାଇଁ 20 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାଇଁ 60 ମାର୍କ ରଖାଯାଇଛି। ସେହିପରି ସବଜେକ୍ଟ 2 ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ ରିଜନିଂ ଏବିଲିଟି ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭିଂ ପାଇଁ 20 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାଇଁ 60 ମାର୍କ ରଖାଯାଇଛି। ଏବଂ ଏହି ସେସନ୍ 1ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆନ୍ସର୍ ଦେବା ପାଇଁ 45 ମିନିଟ୍ର ସମୟ ମିଳିବ। ସେହିପରି ସେସନ୍ 2ରେ 2 ସବଜେକ୍ଟ ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଜେନେରାଲ ଆୱାରନେସ୍ ଏବଂ ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ରଖାଯାଇଛି। ଜେନେରାଲ ଆୱାରନେସ୍ରେ 25 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାଇଁ 75 ମାର୍କ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ 25 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାଇଁ 75 ମାର୍କ ରଖାଯାଇଛି। ଏବଂ ଏହି ସେସନ୍ 2ରେ ଆପଣଙ୍କୁ 45 ମିନିଟ୍ର ସମୟ ମିଳିବ ଆନ୍ସର୍ ଦେବା ପାଇଁ। ଟୋଟାଲ୍ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସେସନ୍ 1 ଏବଂ ସେସନ୍ 2କୁ ଆପଣଙ୍କୁ 90 ମିନିଟ୍ର ସମୟ ମିଳିବ ଆନ୍ସର୍ ଦେବା ପାଇଁ। ସମସ୍ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଟାଇପ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଏବଂ ମଲ୍ଟିପୁଲ ଚଏସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ରହିବ। ସେସନ୍ 1ରେ ଆପଣଙ୍କର ନେଗେଟିଭ ମାର୍କିଂ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେସନ୍ 2ରେ ଆପଣଙ୍କର ନେଗେଟିଭ ମାର୍କିଂ ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ଭୁଲ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର 1 ମାର୍କ କଟିବ। ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫିଜିକାଲ ଟେଷ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ହାବଲଦାର ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଫିଜିକାଲ ଟେଷ୍ଟ ରଖାଯାଇଛି। ଫିଜିକାଲ ଟେଷ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ PET ଏବଂ PST ରହିଛି। PET ମାନେ ଫିଜିକାଲ ଏଫିସିଏନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ ରହିଛି। ଏଥିରେ କଣ ରହିଛି ନା, ଏଥିରେ ପୁରୁଷ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ 15 ମିନିଟ୍ରେ 1600 ମିଟର ଚଲା ରଖାଯାଇଛି। ସେହିପରି ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ 20 ମିନିଟ୍ରେ 1 କିଲୋମିଟର ଚଲା ରଖାଯାଇଛି। ଯଦି ପୁରୁଷ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିବେ 15 ମିନିଟ୍ରେ 1600 ମିଟର ଯଦି ଚାଲିପାରିଲେ ତାହେଲେ ସେ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିପାରିବେ। ସେହିପରି ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିବେ 20 ମିନିଟ୍ରେ 1 କିଲୋମିଟର ଯଦି ଚାଲିପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିପାରିବେ। ଏହି ଫିଜିକାଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଟେଷ୍ଟରେ କ'ଣ ରହିଛି ନା, ପୁରୁଷ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହାଇଟ୍ ରହିଛି 157.5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଚେଷ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ 81 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଅନ୍ଏକ୍ସପାଣ୍ଡେଡ୍ ରଖାଯାଇଛି ଆଉ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡେଡ୍ରେ 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏକ୍ସଟ୍ରା ରଖାଯାଇଛି। ସେହିପରି ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହାଇଟ୍ 152 ସେଣ୍ଟିମିଟର ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ୱେଟ୍ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ 48 କେଜି ରଖାଯାଇଛି। ଏଇଟା ଥିଲା ମୋର ଇନଫର୍ମେସନ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଓ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ।